तो चलिए तो फिर शुरू करते हैं यहाँ पर निफ्टी बैंक का एक्सपायरी स्पेशल स्ट्रेटेजी। यहाँ पे कल हम लोग कैसा मोमेंटम कर देखेंगे, हमारी कहाँ एंट्री होगी, कहाँ पर एग्जिट होगा। उससे पहले यहाँ पे जो डेली बीटीएसटी आप लोगों को यहाँ पे मिलता है, तो यहाँ पे बता दिया था मैंने कि भाई मेरा जो व्यू है यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। सो डेली 230 को आपको यहाँ पे क्या है, बीटीएसटी मिल जाता है। तो एंड जो व्यू जो पॉजिटिव है उसका रिजल्ट आज देखो यहाँ पे लास्ट में जाते जाते ऑलमोस्ट 269 पे लिया एंड यहाँ पे 338 पे सेल किया। मतलब आप कैलकुलेट कर सकते हो कि कितने ज्यादा पॉइंट्स, क्योंकि अगर आपको पैसा कमाना है तो बड़े पॉइंट यहाँ पे पकड़ने पड़ेंगे। प्रॉफिटेबल होने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, स्कैल्पिंग से बात नहीं बनती है, ये जो सच है। शायद ही आप लोगों को कोई बात बताएगा, स्कैल्पिंग के लिए आपको कम से कम 5-10 लाख रुपए चाहिए रहते हैं, तब जाके स्कैल्पिंग में आपको पैसा दिखता है। लेकिन छोटे अमाउंट से कभी भी स्कैल्पिंग नहीं हो पाती है। तो ये जो चीज था, ये जो बीटीएसटी था, आप लोगों को आई होप हेल्प किया होगा। कितने लोगों को हेल्प किया मुझे नीचे कमेंट में बता देना। तो मेक श्योर कि पहले वीडियो को यहाँ पे लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यहाँ पे जो स्ट्रेटेजी है वो यहाँ पे बहुत सिंपल होने वाली है कि ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट पहले प्रीवियसली कैसा यहाँ पे परफॉर्म कर रहा था। मार्केट हर बार क्या कर रहा है, यहाँ से आके एक बार रिजेक्शन ले रहा है। तो मतलब ऑब्वियसली बात है कि क्लियर कट कि 44,000 का ये जो लेवल है ये हमारे लिए क्या काम कर रहा है, एक्ट एज अ रेजिस्टेंस कर रहा है। एंड उसके ऊपर जहां से ये जो डाउनफॉल लंबा वाला आया था वो उसका जो मिड वाला पार्ट है वो है 44,200, राइट। तो मतलब हमारे लिए ये ऊपर की तरफ दो रेजिस्टेंस है। और यहां से अगर जब भी ये डब्ल्यू पैटर्न अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे देख रहे हो गैप अप गैप अप गैप अप गैप अप, आज फ्लैट खुला। जो बीटीएसटी कल के बीटीएसटी में भी यही बताया था कि मार्केट फ्लैट खुल सकता है एंड वहां से डिप हुआ, तो मतलब ये जो पर्टिकुलर गैप है ये फेल हुआ एंड इसके बाद है। तो अब यहाँ पे क्या है, डब्ल्यू पैटर्न का भी एक याद रखना कि ये डब्ल्यू पैटर्न के रीटेस्टिंग हो गई, रीटेस्टिंग देके अब ऊपर जा रहा है। तो अगर कल मार्केट 44,000 या 44,200 के आसपास आता है तो हमें एक रिजेक्शन देखने मिल सकता है, कहां तक, 43,800। अगर कल इन केस ऑफ गैप अप खुलता है तो, और मार्केट अगर 44,200 टेस्ट करता है तो एक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आ सकता है। लेकिन इसको और सिंप्लीफाई मैं आप लोगों के लिए कर देता हूं, तो चलिए इसको देख लेते हैं, स्ट्रेटेजाइज कर लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, 15 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे लगाएंगे तो हमारे पास क्या है, स्ट्रेटेजी तैयार है। ये जो लास्ट की जो पूरी रैली है ये एकदम कैच की, जिसमें हमने काफी एक अच्छा जो अमाउंट है वो यहाँ पर निकाला, राइट। सो मेक श्योर की चैनल का टारगेट ले लेते हैं 60 सब्सक्राइबर विथ 100 एंड लाइक्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझो कि मार्केट क्या है, यहाँ पे जो शूट कर रहा है वो क्या है, बेस बना के जा रहा है। तो इंट्राडे पे क्या है, 43,600 यहाँ पे आपके लिए क्या है, एक्ट एज अ बेस यहाँ पर करने वाला है। क्योंकि यहाँ पे ये बेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट ने क्या दिया, यहाँ पे इतने लंबे टाइम से होल्ड रखा था, क्योंकि यहीं से रिजेक्ट आया, यहाँ पे से रिजेक्ट आया, यहाँ पे गया होल्ड किया फिर ऊपर की तरफ से दिया। तो मतलब जब तक इंट्राडे में 43,600 के नीचे नहीं आएगा हम लोग यहाँ पे सेल नहीं करने वाले। ऊपर का आपका टारगेट क्या है, 44,000 एंड 44,200, ये दो इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर कल मार्केट गैप अप खुलता है तो कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे, क्योंकि काफी लोग इस पर्टिकुलर पॉइंट से होल्ड करके गए होंगे तो वो लोग यहाँ पे क्या है, बुक जरूर करेंगे। तो अगर वो लोगों ने यहाँ पे बुक किया तो एक पहले में क्या हो सकता है, प्रेशर आएगा। एंड 43,800 जो आज की क्लोजिंग है, यहाँ पे आके कोई सी भी पॉजिटिव कैंडल बनाता है तो हम लोग वापस से फिर राइड करेंगे। मतलब आप लोग समझ रहे हो, पैटर्न ऐसे बनेगा, पैटर्न ऐसे, क्योंकि मार्केट भी इसी तरीके से चलता है। कभी भी मार्केट 44,000 किसी है तो 44,000 के पास अगर यहाँ पे कुछ कॉल मिलता है तो ऑब्वियसली नहीं है, थोड़ा सा डिप मिलेगा तो फिर हम लोग यहाँ पे स्ट्रेटेजी बाय ऑन डिप्स हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। अगर मार्केट फ्लैट खुल जाता है और फ्लैट खुल के थोड़ा सा नीचे आता है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी वापस से रहेगी 43,600 के पास, वहां पे हम लोग एक बार बाय कर सकते हैं अगर इन केस ऑफ गैप डाउन खुल जाता है। लेकिन अगर 43,600 के ऊपर खुलता है तो एक अपॉर्चुनिटी रहेगी, इसके नीचे जाता है तो मैं आप लोगों को अपडेट दे दूंगा टेलीग्राम पे, जो टेलीग्राम का लिंक कहां पर कमेंट पे। तो हमारी क्या है, स्ट्रेटेजी में फाइनली तैयार है। गैप अप खुलता है तो हम लोग क्या है, थोड़ा सा इंतजार करेंगे 43,800 का, और एकदम ऊपर से क्या है, रेजिस्टेंस भी हमारे पास यहां पर आ रहा है। और अगर फ्लैट या गैप डाउन खुल जाता है तो वो हमारे लिए एज एन बाइंग अपॉर्चुनिटी यहां पे रहने वाली है। निफ्टी 50 में भी यही देखेंगे तो निफ्टी 50 का भी सीनरी यही है कि यहां से अगर देखोगे डब्ल्यू बना, फिर ये गैप अप गैप अप फिर गैप अप, आज यहाँ पे फ्लैट नीचे से आया। लेकिन इस निफ्टी 50 में यहाँ पे स्पेस दिख रहा है कि 19,520 का, 19,520 यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा स्पेस दिख रहा है जहां तक मार्केट यहाँ पे इसको टच कर सकता है, क्योंकि इसका यही एक प्रीवियस क्या है, रेजिस्टेंस रहा है। क्योंकि यहाँ पे भी देखोगे यहाँ पे इसका पहले रेजिस्टेंस था, इसके ऊपर होल्ड किया, फिर इसने ब्रेकआउट किया, जब नीचे गिर रहा था तो भी यहीं से ही वो यहाँ पर गिरा था। तो
17,500 हमारे लिए एक्ट एज अ क्रूशल रहने वाला है, तो ये चीज को दिमाग में रख लेते हैं और यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग स्टॉप लॉस लगा देंगे। कौन सा वो लोग पॉइंट है जिसमें हम स्टॉप लॉस लगाएंगे, वो हम लोग अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे हमने 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे यहाँ पे लगाया है, तो यहाँ पे क्लियर कट देखिए क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे देखो ये बेस है, ये आइडेंटिफाई होता है कि यहाँ पे मार्केट में क्या है, 19,340 जब तक मेंटेन है, यहाँ पे काफी लोगों ने बाय कर रखा है, तो यहाँ पे ये क्या है, दिस इज अ बेस। क्लियर कट क्या दिख रहा है, बेस दिख रहा है। ब्रेक भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, दोनों चीजें होती है, लेकिन आप लोगों को समझना पड़ेगा बेस हमेशा बहुत स्ट्रांग होता है। तो अगर मार्केट क्या है, यहाँ पे एकदम रेजिस्टेंस के पास है, अगर यहाँ पे क्या है, अगर कल मार्केट फ्लैट खुल जाता है और इसको ब्रेक करता है, तो हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी 19,500 तक के टारगेट के साथ। लेकिन अगर इन केस ऑफ गैप डाउन खुल जाता है, तो जब तक 380 का लेवल मेंटेन है और 340 का लेवल है, तो हमें क्या है, बेस पे बाय करना है। अगर इसके नीचे थोड़ा सा भी एक बॉडी भी क्लोजिंग दे दी, हम लोग वहां पे क्या है, निकल जाएंगे, राइट। और अगर इन केस ऑफ गैप अप खुल जाता है, 480 यहाँ पे 500 के पास आ जाता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा पॉज लेंगे, एक क्या है, डिप आने का इंतजार करेंगे। अगर डिप आके एक कोई रिवर्सल दिखाता है जो आज की क्लोजिंग है, क्योंकि ये प्रीवियसली क्या है, रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अब वो जैसे गैप अप खुल जाएगा वो एज अ सपोर्ट का काम करेगा। तो जैसे ही वो सपोर्ट का काम करेगा, पॉजिटिव कैंडल बनाएंगे, नीचे का स्टॉप लॉस लगाएंगे एंड ऊपर का यहाँ पे टारगेट लेंगे। इसी के साथ जो स्ट्रेटेजी है वो हमारी यहाँ पे तैयार हो चुकी है। लेकिन ये जो थी कि साइकोलॉजी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है किससे, स्ट्रेटेजी से ज्यादा, क्योंकि मैं आप लोगों को यहाँ पे, आप लोग यहाँ पे देख सकते कि लाइव, तो मेक श्योर कि यहाँ पे क्या है कि साइकोलॉजी क्लास है मेरे साथ लाइव 1-on-1 25 नवंबर को। ये रहा रजिस्ट्रेशन लिंक, पिंड में भी है टेलीग्राम के, तो वहां पे आ जाना, क्लासेस में रजिस्ट्रेशन करो। कि जो फोमो बाइंग हो जाती है, कि यार एंट्री मिस हो जाती है, कि ट्रेड लेते ही प्रॉफिट में आता है तो डर लगता है, ये सारी चीजें वहां पे क्या है सॉल्व हो जाएगी। तो इसके लिए मेक श्योर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, एंड जो साइकोलॉजी क्लास के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो करवाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।